गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संचिता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी दुनिया का सबसे बेस्ट स्किन ग्लोइंग फेशियल करना, और वो भी घर में रहने वाले सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है। फेशियल के लिए सबसे पहले क्लींजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लींजिंग के लिए दही से बेहतर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा दही लेना है और पूरे फेस को 1 से 2 मिनट तक मसाज करना है सर्कुलर मोशन पे, और फिर एक फेस टॉवल को गर्म पानी में डुबो के फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और फिर देखना आपकी स्किन अभी से ही क्लीन होकर कितना ग्लो करने लगता है। स्टेप 2 में अब हम करेंगे स्क्रबिंग, जिसके लिए आपको एक बोल में 1 चम्मच चीनी लेना है, फिर इसमें 1/2 टोमेटो जूस, 1 चम्मच हनी और 1/2 चम्मच लेमन जूस डाल देना है, और फिर मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा स्क्रब बनके रेडी हो चुका है। तो अब इस स्क्रब को आपको लेना है और धीरे धीरे फेस को स्क्रब करते रहना है। ट्रस्ट मी गाइस, ग्लोइंग स्किन पाने के लिए इस स्क्रब से बेहतर स्क्रब तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये ना सिर्फ आपके स्किन को ग्लोइंग करेगा बल्कि ये डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और टैन को भी चेहरे से रिमूव कर देता है, क्योंकि इसमें टोमेटो जूस और लेमन जूस है। और स्क्रब के लिए यहाँ पर मैंने जो शुगर को इस्तेमाल किया है ना, वो तो स्किन लाइटनिंग के लिए बेस्ट नेचुरल स्क्रब है। तो करीब 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करने के बाद ठंडे ठंडे पानी से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है, और फेस को वॉश करने के बाद अभी से ही देखना आपके स्किन में कितना चमक और रौनक आ जाता है। और अभी तो 2 स्टेप बाकी है। तो स्टेप 3 में हम करेंगे फेशियल मसाज, जिसके लिए आप पहले 2 चम्मच दही लीजिए, फिर इसमें 2 चम्मच पोटैटो जूस ऐड कर दीजिए और बस अच्छे से मिला लीजिए। तो अब इस मसाज क्रीम को लेकर आपको करना है फेशियल मसाज। और हाँ गाइस, ध्यान रखना यहाँ पर मसाजिंग टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही से ही तो आपके स्किन में ग्लो आएगा। इसीलिए वीडियो में दिखाए गए सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करके करीब 10 से 15 मिनट तक मसाज करते रहना, और फिर उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना। लास्ट स्टेप में हमें अप्लाई करना है एक स्पेशल स्किन ग्लोइंग फेस मास्क, जिसके लिए आपको 2 से 3 चम्मच टोमेटो का जूस लेना है, फिर इसमें 1 चम्मच हनी, 3 से 4 बूंद लेमन जूस और लास्ट में 1 चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर ऐड करके मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद बस ये रेडी हो जाएगा हमारा स्किन ग्लोइंग के लिए स्पेशल फेस मास्क। तो अब इसे पूरे फेस पर अप्लाई करके 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 20 मिनट बाद आपको फेस को वॉश कर लेना है। गाइस, अगर आप उनमें से है जिनके स्किन में बहुत सारे डार्क स्पॉट, टैन या फिर पिगमेंटेशन है, और स्किन बिल्कुल भी बेजान है, स्किन पे कोई ग्लो नहीं है, तो बस 1 हफ्ते तक रात को सोने से पहले सिर्फ इस फेस मास्क को अप्लाई करके देखना। बस 1 हफ्ते में आपके स्किन में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा ना, आप सच में गाइस हैरान हो जाएंगे। इतना कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अभी मैं अपने फेस को वॉश कर लिया है, और गाइस आप देख ही सकते हैं बस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस फेशियल को करने से यहाँ पर मेरी स्किन कितना ज्यादा ग्लो कर रही है, और स्किन पे कितना चमक और निखार आ गई है। तो देखा ना गाइस, कितना इजी है घर पर बैठ के सिर्फ घर की चीजों से फेशियल करके चेहरे को चमकाना। सो जरूर ट्राई करके देखना।